हमारी नई जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है श्री नागेश्वरम गुजरात के लिए। ये कुछ सड़कों का नजारा देख सकते हैं, सिक्स लेन, प्रॉपर सिक्स लेन बनी हुई है यहाँ पे। सो नाउ फाइनली गाइज, मैं अभी पहुंच गया हूँ राजकोट। राजकोट सिटी से थोड़ा सा आउटसाइड में हूँ। क्या क्या है यहाँ पे, ये मेरे पीछे साइड में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सी व्यू पॉइंट। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। अब ये नई जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है श्री नागेश्वरम गुजरात के लिए। अब मैं निकल रहा हूँ गुजरात और लगभग इंदौर से 100 किलोमीटर में आ गया हूँ। और अभी यहाँ से ये मान के चलिए कि जो है 800 किलोमीटर की दूरी बची हुई है, और हो सकेगा तो 10 बजे तक शाम तक हम मैं पहुँच जाऊँगा नागेश्वरम। और फिर जो नाइट का स्टे रहेगा वो नागेश्वरम में होने वाला है, और फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा मेरा वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के अगले दिन दर्शन वगैरह करके फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है कि अगर आप गुजरात जा रहे हैं तो फिर वहाँ से द्वारिकाधीश जी के दर्शन जरूर करके आएँ। सो वो तो सेकेंड पार्ट है, अपन देखते हैं अगर उसका प्लान कर हो जाएगा तो अपन वहाँ भी जरूर जाएंगे। सो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अभी, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है 800 किलोमीटर का। सो मिलते हैं आपको रास्ते में। सो गाइस, अगेन धार के पास हमें डीजल डलाना पड़ रहा है क्योंकि टैंक ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तो एक बार वापस डीजल डला रहे हैं हम लोग एमपी में ही। जो यहाँ का डीजल का रेट है वो सेम है, 94 रुपीज़ 33 पैसे हैं। तो यहाँ से डीजल डलाने के बाद हम लोग जो है सीधे पहुँच जाएंगे गुजरात लगभग। तो शायद हो सकता है कि मुझे नागेश्वरम में वापस डीजल डलाना पड़े। तो अभी डीजल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर निकल जाएंगे सीधे हम लोग अहमदाबाद में, रुकेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, डीजल डल जाता है फिर उसके बाद फिर मिलते हैं। सो अगेन यहाँ पे जो डीजल डला है 50 लीटर के अराउंड हो गया है, जो कि 50 लीटर में मेरा टैंक फुल हो गया है। और जो यहाँ पे डीजल डला है अप्रॉक्सीमेट 4900 रुपीज़ के लगभग आए, जो ओवरऑल फाइनली जो डला है तो 52 लीटर अराउंड आया है टोटल डीजल। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से एमपी का बॉर्डर मैं क्रॉस कर चुका हूँ। इसके बाद से जो एरिया लगने वाला है गुजरात का एरिया लगने वाला है। ये यहाँ पे एमपी और गुजरात का जो बॉर्डर है वो है। सो यहाँ से लगभग है अपनी जो डिस्टेंस बची है वो 600 के लगभग बची हुई है यहाँ से। और सो फाइनली जो है अपना एमपी का बॉर्डर मैं क्रॉस कर चुका हूँ और गुजरात में इंटर कर गया हूँ। यहाँ से जो नागेश्वरम की दूरी बता रहा है वो लगभग है 645 किलोमीटर। तो अभी जो समय हो रहा है वो बज रहा है 1:30। तो देखते हैं, मेरा ये अनुमान है कि 10 बजे रात तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो देखते हैं कितना समय अभी लगता है, इस रास्ते में ही है अभी। हमने खाना वगैरह अभी नहीं खाया है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी इच्छा वैसी हो नहीं रही क्योंकि सेहत उतनी सही है नहीं अभी। तो देखते हैं, अगर कहीं कुछ इच्छा होगी तो थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, अदरवाइज़ तो अभी कंटिन्यू चल रही है। क्योंकि राम को क्योंकि सफ़र भी अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, लगभग 650 किलोमीटर है, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, समय हो रहा है लगभग 6:30 और मैं राजकोट पहुंच गया हूं। और गुजरात की सड़कें इतनी बढ़िया हैं कि थोड़ा सा जाने में भी समय का पता ही नहीं चल रहा है। लगभग यहां से जो अभी मेरी दूरी बची है वो है 250-300 किलोमीटर बची हुई है। तो मैं आपको एक बार यहाँ की सड़कों के नज़ारे दिखाता हूँ। इतनी बढ़िया सड़कें हैं कि इजिली आप एक घंटे में मान के चले कि 60-70 किलोमीटर आराम से कवर कर सकते हैं। ये कुछ सड़कों का नज़ारा देख सकते हैं, सिक्स लेन, प्रॉपर सिक्स लेन बनी हुई है यहाँ। तो कोई ऐसी तकलीफ वाली बात नहीं होती ड्राइविंग करने में भी, सिक्स लेन में अच्छा खासा है, आपको इतनी ज़्यादा भीड़ का भी नहीं एहसास होता। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सो नाउ फाइनली गाइज, मैं अभी पहुंच गया हूँ राजकोट। राजकोट सिटी से थोड़ा सा आउटसाइड में हूँ। इट मीन्स कि यहाँ पे एक शिव शक्ति रेस्टोरेंट करके पड़ता है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ना। आप पीछे मेरी पार्किंग में भी हूँ मैं अभी, तो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। अच्छी चीज़ है कि सारी रात ओपन रहता है ये, और यहाँ पे इजीली आपको खाने पीने के लिए स्टे का ऑप्शन मिल जाता है। तो आज मैं यहीं रुक रहा हूँ। यहाँ से जो है द्वारका की दूरी जो है लगभग ये मान के चलिए कि 250-300 किलोमीटर है। तो इसको मॉर्निंग में कंप्लीट करेंगे, बट अभी यहीं पे रुकना पड़ रहा है मुझे, और अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे जल्दी, जिससे कल शाम तक द्वारका पहुँचेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी चलते हैं अपन, खाना वगैरह खाएंगे यहीं पे, उसके बाद यहीं पे स्टे का ऑप्शन रहेगा, फिर जैसा भी रहेगा कल कंटिन्यू करेंगे। सो आज के ब्लॉक में इतना ही, कल मॉर्निंग में मिलते हैं। अभी मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, मॉर्निंग में फिर से ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी आपको पता है अकेले ही हूँ ड्राइव करने के लिए। सो मिलते हैं कल के ब्लॉक में। हाय, गुड मॉर्निंग गाइज, वापस हम सफ़र पे निकल चुके हैं और राजकोट से मैं जस्ट अभी निकला हूँ थोड़ी देर पहले, 5-10 मिनट पहले। और अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारका,
और द्वारिका है तो ये सोच रहे कम से कम 2 दिन का ट्रिप यहाँ का रखेंगे। रीज़न वो ये है कि द्वारिकाधीश के भी दर्शन करेंगे और अपने श्री नागेश्वरम के भी दर्शन करेंगे, तो 2 विजिट प्लान रहेंगे और फिर यहाँ पे छोटे छोटे जो भी और चीज़ें रहेंगी उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट्स व्हाई ऐसा सोच रहे हैं कि 2 दिन का प्लान रख के चलेंगे। तो आज स्टे रहेगा, मे बी मंडे को भी स्टे रह सकता है। ट्यूसडे के दिन अपन निकलेंगे सोमनाथ के लिए। सो लेट्स सी द्वारिका पहुँचते हैं, उसके बाद फिर आगे क्या प्लान करना है वो डिस्कस करेंगे। सो गाइस जामनगर में एक बार वापस डीजल डलाने के लिए मैं रुका हूँ। टैंक यहाँ पे भी खाली हो चुका था, लगभग मैंने इंदौर में डीजल डलाया था और यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 700 किलोमीटर गाड़ी चली है, फिर से टैंक खाली हो गया। यहाँ पे मैं एसर की पेट्रोल पंप में फ्यूल इस बार फिल करा रहा हूँ। चलिए दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पे क्या पेट्रोल का रेट वगैरह चल रहा है और कितने लीटर टैंक में आता है। सो फाइनली जो गुजरात में भी डीजल का प्राइस है 91 रुपीज़ 13 पैसा है और ऑलमोस्ट जो मेरी अभी गाड़ी में डीजल आया है वो समवेयर अराउंड आप ये मान के चलिए 48-49 लीटर की डीजल आया, जो कि कॉस्ट अराउंड 4500 रुपीज़ के लगभग है। पवन चक्की का नज़ारा काफ़ी सारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब से हमने जामनगर क्रॉस किया है उसके बाद से कंटिन्यू पवन चक्की मिल रही थी और ये एकदम सड़क से करीब दिख रही है, इसलिए हमने सोचा वीडियो बना लिया जाए इसका भी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं समुद्र से काफ़ी पास में हूँ, यहाँ से लगभग द्वारिका की जो दूरी है वो होगी 30 किलोमीटर और समय जो हो रहा है लगभग 1 बज रहा है और मैं पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट। तो अभी चलते हैं, कितना टाइम, आधे घंटे मैक्सिमम और लगेंगे और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी सी उमस ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि समुद्र का किनारा है और किनारे के एरिया में थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है, चिपचिपी गर्मी लग रही है यहाँ पे ज़्यादातर। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ की मिट्टी जो देखने के लिए मिल रही है ना वो येलो कलर की है और रेड कलर की है, थोड़ा सा मतलब रेड भी नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा अलग ही कलर रहता है रेड में। यहाँ का मौसम और हरा भरा माहौल तो आप देख ही रहे हैं और साथ ही में मेरे इधर लेफ्ट हैंड साइड में लगभग 500 मीटर दूरी में समुद्र स्टार्ट हो जाता है और द्वारिका की दूरी यहाँ से लगभग बची है 10 से 15 किलोमीटर। तो पहुँच जाते हैं द्वारिका पहले, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या शेड्यूल होता है। तो क्योंकि अभी जो समय हो रहा है लगभग बज रहा है 1:30, तो टाइम तो है अपने पास पर वहाँ पे चल के पता करना पड़ेगा कि मंदिर वगैरह कब तक खुले रहते हैं, कैसा क्या रहेगा। और 1-2 दिन रुकने का भी यहाँ पे प्लान है अपना, स्टे करेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी शेड्यूल बनेगा उस हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। तो चलिए पहुँचते पहले द्वारिका, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस मैं द्वारिका में रुक गया हूँ अभी और मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े वगैरह कुछ यहाँ पे साफ करने के लिए दे देता हूँ और आज का स्टे मेरा यहीं पे रहेगा और मैं कल फिर निकलूँगा यहाँ से जो रहेगा द्वारिका से, फिर नागेश्वरम के दर्शन करते हुए सोमनाथ निकलूँगा। तो आज कपड़े वगैरह देता हूँ धुलने के लिए, हो जाएगा और थोड़ा रेस्ट भी रहेगा क्योंकि 2 हफ्ते ट्रैवल में हो गए मैंने कपड़े वगैरह नहीं धुलवाए अभी, तो काफ़ी सारे कपड़े भी जो सब गंदे पड़े हुए, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत भी आगे होने वाली क्योंकि अभी 2 वीक का और अपना प्लान रहेगा आगे कंटिन्यू करने का। सो आज कपड़े वगैरह धुलवा लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर शाम के टाइम पे कहीं थोड़ा बहुत घूम लूँगा, उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में अपने द्वारिकाधीश जी के दर्शन और श्री नागेश्वरम के दर्शन करते हुए मैं सोमनाथ निकल जाऊँ। फाइनली मैं अभी जो हूँ वो द्वारिका में हूँ और सी व्यू पॉइंट जो है ये है यहाँ पे, ये मेरे पीछे साइड में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सी व्यू पॉइंट। और अभी आज की नाइट स्टे रहेगा द्वारिका में, कल अर्ली मॉर्निंग में द्वारिकाधीश जी के दर्शन और श्री नागेश्वरम के दर्शन करते हुए सोमनाथ के लिए निकलूँगा। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ पे मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे से निकलेंगे होटल की साइड। और हुआ तो शाम के टाइम पे यहाँ पे गोमती रिवर है तो वहाँ पे भी हो सकता है शाम के टाइम पे बोलते हैं कि आरती वगैरह का माहौल रहता है, थोड़ा सा अच्छी जगह है घूमने के लिए तो वहाँ पे भी एक बार ट्राई करेंगे। अदरवाइज़ फिर निकलेंगे सीधे सुबह सुबह दर्शन करने के और फिर उसके बाद सोमनाथ के लिए भी कल का ही प्लान करेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, अब ऐसा लगता है कि यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पे पास में ही गोमती रिवर है, वहाँ पे चलेंगे, गोमती रिवर में भी थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे। मॉर्निंग में जल्दी उठना भी पड़ सकता है क्योंकि वहाँ से उठने के बाद फिर श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करना है और उसके बाद फिर नागेश्वरम के लिए भी निकलना पड़ेगा, तो वहाँ पे श्री नागेश्वरम जी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से करते हैं यहाँ का काम ख़त्म और बढ़ते हैं वापस अगले प्लेस पे। सो फाइनली गाइस समय हो रहा है 7 और जरा सा भी नहीं लग रहा कि अभी 7 बजे का समय हो रहा है और आई डोंट नो कि घड़ी लेट चल रही है कि यहाँ का वेदर या कि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है। अभी भी मुझे सामने से धूप दिखाई दे रही है और समय हो रहा है 7 और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ।
आप यहाँ पे देख रहे जो समय हो रहा है 7:02 हो रहा है, ठीक है। और आप बाहर का मौसम देखे तो जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है, देखिए इधर साइड में धूप दिख रही है, तो जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा समय हो चुका है 7 बज रहा है ऐसे करके, क्योंकि अपने यहाँ तो 7 बजे शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और यहाँ पे अभी धूप है। सो लेट्स सी, हर जगह की प्रकृति का अलग अलग असर होता है। सो होटल वालों ने ऐसा बताया था कि 7:30 बजे तक जो गोमती रिवर का एरिया है वो बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे सी में ही ज्यादा टाइम लग गया। सो नाउ मैं वापस जा रहा हूँ होटल और आराम करूँ, मुझे 6 बजे निकलना रहेगा दर्शन के लिए, और मैं श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करते हुए उसके बाद सीधे निकल जाऊंगा श्री नागेश्वरम के दर्शन के लिए। सो आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं सीधे कल अपने श्री द्वारिकाधीश मंदिर पे। उम्मीद करूंगा कि अभी तक के आपने सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, अगर आपने अभी तक के पूरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और 12 ज्योतिर्लिंग ट्रिप करके सारे ब्लॉग्स वन बाय वन एपिसोड बाय एपिसोड बने हुए हैं, तो आप उनको देखें और हमारे साथ ट्रिप को एंजॉय करें। मिलते हैं आपको कल।